साल हो गए शादी को, लेकिन अब तक तू ठीक से करना नहीं सीखी। तेरे मस्त हिलाती भी मस्त है यार, मेरी बीवी को कुछ नहीं आता। सो हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों पर्सनल रीजन कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब से ट्राई करूंगा कि अपडेट रहूँ, रोज के रोज वीडियो अपलोड करते रहूँ। दोस्तों एक मस्त आइडिया आया हुआ है, काफी दिन बाद बीवी के ऊपर एक मस्त डबल मीनिंग प्रैंक करने वाला हूँ। बस शाम होने की देरी है, एक मस्त आइडिया ने जन्म लिया है। बस आप देखिए पूरा वीडियो कैसा लगा, मुझे बताना जरूर, और अपडेट रहूंगा, देखते रहना हमारे वीडियो। और चलो फिर वेट करते हैं पूजा का आने का, आप बस देखिए और मजे कीजिए। कैक्टस है, ये है, वो है, उसके साथ कौन खेलेगा? तेरे पप्पा फोन चाहिए। मजा आ गया। नहीं यार क्या टूट गया बाबा, चश्मा वगैरह रहेगा, देख लो ठीक से। हाँ देख। अरे यार एक नंबर, मस्त करती है। क्या बोला तूने? मतलब परफेक्ट, एकदम परफेक्ट यार, जबरदस्त। हाँ नहीं, मेरी बीवी को कहा तेरी बीवी की तरह करने आता है। अरे रोज समझाता हूं मैं। हाँ एक्सप्रेशन भी मस्त देती है भाभी। जी कुछ भी क्या मस्त नहीं करती है आपकी बीवी? किस बारे में बात हो रही है? तू कोई भी चीज मस्त नहीं करती, समझ ले, कोई भी चीज। अभी तू समझ जा, एक मिनट बात करने दे, बात करते। हेलो नहीं बोल, कुछ नहीं रे बोल। नहीं अरे भाई मस्त करती है, मतलब तेरे हाँ एकदम सही से पता है कहाँ पे कैसे एक्सप्रेशन देने। हाँ मस्त, मजा आ गया यार, कसम से अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, तू खुश है ना, तू खुश रहे, तुझे खुशी मिलती है ना। नहीं वो तो बात बराबर है रे। हाँ बीवी का एक्सप्रेशन, बीवी अगर ढंग से करे तो फिर आदमी खुश रहता है ना। तो फिर तो मतलब कितने बहुत समझाया रे इसको, बहुत समझाया, लेकिन समझती नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ गलती करती है, तो पूरा मजा किरकिरा कर देती है। एक्सप्रेशन ठीक नहीं रहता, कुछ नहीं, एकदम सुस्त रहती है रे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात आपसे करना चाहूंगा, क्या आप अपने प्राइवेट पार्ट से काफी शर्मिंदा फील करते हो? इसी कारण आपके बेड परफॉर्मेंस में भी काफी असर पड़ता है, एक अलग तरीके का स्ट्रेस तनाव फील करते हो? तो आप निश्चिंत तो हो जाइए, क्योंकि मेरे पास है आपके इस समस्या का समाधान। तो दोस्तों ये है मैंश्योर मसाज ऑयल। ये ऑयल 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है दोस्तों, जैसे कि केसर, शिलाजीत, अश्वगंधा, क्लोव ऑयल, श्री गोपाल ऑयल, अलग अलग जड़ी बूटियां मिलकर ये ऑयल बना है, जो पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। और ये इरेक्टल डिसफंक्शन डिसऑर्डर में भी काफी फायदेमंद होता है, जो आपका बेड टाइम बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। तो दोस्तों इस ऑयल को लगाना काफी इजी है, आपको बस दिन में 10 ड्रॉप लेके आपके प्राइवेट पार्ट पे मसाज करना है, और बेटर रिजल्ट के लिए कम से कम 2 से 3 महीना आपको कंटिन्यूसली इस ऑयल का यूज करना है। ये ऑयल आपके बेड परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में काफी फायदेमंद है, प्लस आपके प्राइवेट पार्ट में आफ्टर मसाज ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से रहेगा, और काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों। अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी कुछ भी जानकारी चाहिए होगी, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जहां से आप एक सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करके डॉक्टर से फ्री में कंसल्ट कर सकते हो, और इस प्रॉब्लम के बारे में आपको कुछ भी जानकारी पानी हो तो पा सकते हो। और ये मैंश्योर मसाज ऑयल GMP और ISO द्वारा सर्टिफाइड है दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां से आप घर बैठे इस बेहतरीन प्रोडक्ट को मंगा सकते हो। ऐसा लगता है मेरे को ही जरूरत है। क्या हुआ? रखो फोन, रखो मेरे को ऑफिस से बात करनी है। क्या हुआ? फोन रखो मुझे, वो बोल रही हो ना, फोन रखो मुझे आपके साथ बात करनी है। दो मिनट बात, किस बात में बात हो रही है? अच्छा रख रहा हूँ, रख रहा हूँ, रख रहा हूँ। हाँ हेलो, रख रहा हूँ रे मैं,
नहीं, बीवी बाद में बैठ के सुन रही है, कभी मुझे सच्चाई उससे ना निगली नहीं जा रही है। मैं मस्त भाभी तो करती मस्त। हाँ एक्सप्रेशन भी मस्त है, मस्त हिलाती भी मस्त है। मेरी बीवी को कुछ नहीं आता, ना ही हिलाने आता है, ना ही एक्सप्रेशन ढंग का, हर चीज में सुस्त है, मजा ही नहीं। ठीक है एक बार आता हूँ, जरा भाभी को बोलता हूँ मेरे को भी सिखा, सिखाएगी ना? हाँ तेरे सामने, तुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? ठीक है चल, नहीं, मिलते। अरे क्या हुआ, चल क्या रहा है आपका? क्या हुआ? क्या है, क्या आपने ठान मैंने ली गलत है गलत क्या दीदी की बोला? हर बार बुराई करनी गलत लाइफ टाइम के लिए? गलत क्या बोला पूजा? जो बोला सही बोला ना, सच्चाई। अगर मैं ना मेरा गुस्सा इतना कंट्रोल करती हूँ ना, सच में बोल दे रही हूँ, अगर मैं कंट्रोल नहीं तू करती नहीं ना आज करती, तो क्या ना आपका ना हाफ मुंह। 4 साल हो गए शादी को, लेकिन अब तक तू ठीक से करना नहीं सीखी। मैं ठीक से करना नहीं सीखी? हाँ तू ही मेरी बीवी है ना, तो तुझे बोलूंगा ना, किसी और की बीवी। मैं मुंह खोलूंगी ना खुद को शर्म आ जाएगी, शर्म मेरे को नहीं आता। नहीं आता है? अरे एकदम भारी कर दो, बढ़िया कर दो, अच्छा एकदम मस्त। ये सब है ना आपका देख वहम है। तेरे को आता नहीं है तो भी मेरे पे इल्जाम लगाती है, कुछ भी देखो बोल रही मेरा है। मुंह मत खुलवाओ, ये जो सारी आप ये गंदी गलीच जो हरकत है ना आपकी, बंद करो मेरे साथ करना, गलीच ठीक है? करके हर कोई करता है यार उसमें। हर कोई करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की बीवी को अच्छा बोलो और खुद की बीवी की बुराइयां करते उसकी फिरो। बीवी कितनी मस्त हिलाती है, मस्त एक्सप्रेशन देती है, मतलब है ना यार, आदमी खुश रहेगा ऐसे सब जब बीवी। आपने कब देखा, ये सब कब देखा आपने? देखा मेरे दोस्त दोस्त यार शेयर करते तो उसके, शी मेरे दोस्त ने वीडियो बना के भेज दिया था मेरे को, तो देख के दिल खुश हुआ कि भाई यार टैलेंटेड है उसकी बीवी। तू कब लाएगी, तेरे में ऐसे टैलेंट है? तेरे को कितनी बार बोला है, तेरे ऐसा टैलेंट मेरे को नहीं आ रहा है, को कितनी बार टैलेंट समझा ऐसा कर ऐसा कर यार, तू मतलब समझती नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ गलती करती है, हर बार दिल दुखाती है मेरा। ढंग से गरम करना, सिखाओ क्या, लेके चलो उसके पास और सिखाएगी तेरे को। नहीं सीखना मेरे को कुछ भी किसी से, अरे समझ में और आएगा? एक औरत औरत को अच्छे से हैंडल कर सकती है रे। हाँ वो सिखाएगी। दिमाग मत खराब करो अभी, दिमाग का दही मत बनाओ, समझ में बात? एक तो इधर घुस गए हो, एक तो इधर से निकलो, नहीं तो मेरी मार खाने के लिए तैयार क्या हो। हुआ ऐसे क्यों बात मैं करती ना पूजा, बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, मेरे मुंह पे भी, मेरे हाथ पैर पे भी, समझ में बात? मैं ये जो बातें कर रहे हो ना ऐसी गंदी गंदी, थोड़ा शर्म करो, खुद पे कंट्रोल करो। किसी दूसरे की बीवी का आके देख के आते हो और खुद की बीवी को उसके साथ कंपेयर करते हो और बोलते हो खुद खुद की बीवी को कुछ नहीं आता है। हाँ ये सब कुछ हरकतें आपको शोभा देती है क्या? कुछ नहीं आता मैंने बोला, नहीं ठीक तो से नहीं क्या आता, बोला आपने? तो ठीक से नहीं वो आता। कुछ भी ठीक से नहीं करते हाँ हो। वही ठीक से नहीं आता, मजा नहीं आता रे वो, मतलब अंदरूनी खुशियां रहती तो मिलती नहीं है, तो वही बोल रहा हूँ मैं। अभी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये सब बातें बंद करो और आपको है ना जिसके साथ खुशी मिलती है ना उसके पास जाओ, समझ में बात? तो मतलब तेरे को हाँ सीखना ही नहीं है, तो भाभी आने वाली है ना आपको तेरे को सीख सुकून देने के लिए, तो ले लो ये सब गंदी हरकत है ना उनके साथ करो, मेरे सामने नहीं, समझ में बात? और बंद करो ऐसी बकवास करना मेरे सामने। इतना क्यों भड़क रही पूजा तेरे? अरे कौन किसको अच्छा लगेगा, ये सब बातें आप किसी दोस्त के साथ शेयर करोगे, अपनी खुद की बीवी की बुराइयां करोगे और वो भी बीवी के सामने, किसको अच्छा लगेगा? अरे मेरा दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं फिर? अरे आपका दुखड़ा है ना ऐसा इतना सा खड्डा बनाओ उसमें डालो और उसके ऊपर मैं आती हूँ मट्टी डालने के लिए। अरे मैंने सोचा यार कि भाई किसी और की अच्छाई बोलूंगा तो शायद तू भी खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी, इसलिए मैंने बोला रे। लोगों को देख के लोग अपन सुधरते हैं ना, देख देख के सुधरेगी ना तू, एक बार सिर्फ देख ले उसकी बीवी का एक वीडियो है मेरे पास, कुछ वो नहीं देख देखना उसकी बीवी का एक मुझे, कुछ नहीं देखना है, आप ही देखो खुश हो जाओ, नहीं तो आपकी भाभी को बुलाओ, क्या करना है ना आपको करो, ये सब लेके आओ बातें यहाँ पे, यहाँ पे मत लेके आओ, तेरे सामने चलेगा। अरे सामने क्या, आपको क्या लगता है ये सब सुनने के बाद मैं आपके साथ रहूंगी, आपके साथ ठीक ठाक रहूंगी? ठीक ठाक वो रहना ही नहीं है ऐसे इंसान के साथ। मैं जा रही हूँ मेरी बच्ची को लेके। कहाँ पे जाएगी तू? चली जाऊंगी क्या मेरे को, क्या घर नहीं, मैं घर नहीं हूँ मैं, आपको तो क्या लगता है ये सारा नहीं? और इतनी भी हिम्मत रखती हूँ आपको इस घर से निकाल सकते हो, खुद इस घर में रह सकती हूँ, समझ में बात? शुक्र करो भगवान का है ना, मैं मेरा गुस्सा कंट्रोल करती हूँ।
प्रॉब्लम नहीं क्या है ना है, बच्ची के लिए सब सहन करना अरे लेकिन पड़ता मुझे है। बता सीखने में प्रॉब्लम क्या है पूजा, सीखने में प्रॉब्लम क्या है? अरे क्या सीखने बोल रहे हो आप, समझ ना जरा बात की गहराइयों को, समझ तू जरा मैं बोल क्या रहा हूँ, समझ जरा तू। आप मेरे को मत सिखाओ, मेरे को मेरी शादी को 4 साल हो गए, अभी मुझे किसी से कुछ नहीं सीखता, मेरे को लगता है मैं जो करती हूँ वो मेरा ठीक ठाक है, अच्छा है, समझ में आई? मेरे को किसी से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सीखना। तेरे को खुशी मिलती है लेकिन मेरा क्या, मुझे वो खुशी नहीं मिलती ना। आपको इससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी क्यों तो दिक्कत होने लगी है? इसके पहले कर लेता था एग्जस्ट, जाने दे बोलो आज ना कल, आज ना कल सीखेगी तू सीखेगी, लेकिन 4 साल हो गए फिर भी। रहने दो आपको है ना, ये सब अभी क्यों सूझ रहा है ना, मेरे को समझ में आ रहा है सब, किसी को पता है मेरे को, आपको है ना घर की मुर्गी है ना दाल बराबर लगती है, समझ में बात? ऐसा पूछ इसके लिए ये सब सूझ रहा है आपको? अरे मैं बोल रहा हूँ यार, जरा किसी और को देख के अगर तुझे सीखने मिल रहा है तो सीख लेना पूजा, क्या दिक्कत है? अरे मैं ना तेरे को दिखाता हूँ उसकी बीवी का वीडियो, एक बार देख ले सिर्फ। हाँ एक बार देख ले, मुझे नहीं देखना तुम ही देख लो, जो देखना मुझे नहीं देखना, मैंने बोल दिया ना नहीं देख। बोलेगी वाह कितना मस्त करती है यार, काश मुझे भी ऐसा है, तो देख सिर्फ एक बार। मैंने बोल दिया ना मेरे को नहीं देखना, आप निकलो इधर से नहीं तो मैं जा रही हूँ उठ के, देख ले सिर्फ एक बार। अरे बोल रहे हो ना मेरे को नहीं देखना है, तू देख ले सिर्फ, भले नहीं देखना फिर भी एक बार देख ले मेरे लिए, देख ले बाद में तुम वो तो बोले वाह क्या चीज दिखाई आपने। आप ही देख लो, आपको बहुत अच्छी लगती है ना चीज देखने में, आप ही देख लो, मेरे को नहीं देखना है कोई चीज, समझ आए बात? एक बार देख तो रे। अरे नहीं चल रहा नहीं है, ये मेरा नेट का प्रॉब्लम है। अच्छा है आपका नेट स्लो है, मेरे को दिखाओ ही मत, नहीं तो आपका एक तो फोन फूट जाएगा, नहीं तो आप फूट जाओगे, ध्यान में रख लो ये बात। अरे मैं बोल रही हूँ ना, मैं नहीं देख तो सही। अरे नहीं देख, अरे देख तो सही, कितना मस्त साड़ी पहनी है, कितना मतलब फैशन स्टाइल देख उसका, चलने का ढंग देख, एक्सप्रेशन देख उसके। कैसा लगा मेरा मजाक? नेट प्रॉब्लम पर वो बाद में दिखाता, तो तू भी ऐसा तेरा मतलब कितना कभी कितना मस्त साड़ी पहनी है, मेक ओवर देख उसका, कितना कमर वमर सब मस्त हिलाती है, जब भी नाचती है ऐसा लगता है देखते रहो बहुत मस्त करती है वो, रील्स मस्त करती है, और तेरे एक्सप्रेशन नहीं होते रील्स, जब भी रील्स बनाता हो। मम्मी क्या हुआ तो कुछ नहीं, मेरे को है ना ये एक्सप्रेशन ये बोल रहे हो ना आप, मेरे से नहीं होगा, आप जाओ। क्या बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं जमेगा, क्या नहीं जमेगा, अभी इतनी दिमाग मत खाओ, अभी जाओ यहाँ से। क्यों जाओ, जाओ चल तेरे को लेके चलता हूँ उसके पास, सीख ले। वो मेरे को नहीं सीखना है, मैं डांस क्लास लगा लूंगी। इतनी सी बात के लिए घर छोड़ने की बात कर रही है तू, तो पहले बोल देना चाहिए था ना पूजा डांस करना सीख ले, तो डांस करना है ना, हम लोग क्या करते हैं और क्या करते हैं, हम लोग रील्स ही करते हैं और क्या क्या करते बता, क्या क्या करते बता, आपको नहीं पता है, नहीं पता क्या 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 करती है, क्या क्या करते बता ना, तेरे दिमाग में क्या आ रहा है? काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो वो मेरे को लगा वो सीखना है, उसमें एक्सप्रेशन देना होता है, घर के काम करते एक्सप्रेशन देते देते काम करते, हाँ मैं करती हूँ एक्सप्रेशन देते देते, ऐसा थोड़ा तड़का लगा, मुझे लग रहा है तो कुछ तो उल्टा पुल्टा सोच ली थी, हाँ इसलिए अभी पता है ना, क्यों दिमाग खाते हो फिर? तो डांस के बारे में बोल रहा था, एक्टिंग के बारे में बोल रहा था, ड्रेसिंग सेंस के बारे में बोल रहा था, मेकअप के बारे में बोल रहा था, ये तेरा ड्रेसिंग, कभी भी रील्स बनाते ऐसे उठ के आ जाती तू, कभी साड़ी पहनना चाहिए, कभी बाल खोले छोड़ना चाहिए, जरा चेहरे पे स्माइल ग्लोइंग फेस करना चाहिए, एक्सप्रेशन देने चाहिए अच्छे अच्छे, ये सब तुझको सूचना नहीं। अरे क्या रे, नहीं रे रहने दो रे, मैं ऐसी ठीक हूँ, आ जाएंगे रीच आ जाएगी व्यू आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, रहने दो, यही तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, बाकी वो की बीवी कितनी एक्साइटेड रहती है सारी चीजों के लिए, तू हमेशा रहने दो जाने दो चला लो इसमें, क्या बोल रहे यार अभी सब देख रहे, क्या बोलेंगे तेरे बारे में?
सब देख रहे सब देखो जानबूझ के यार मेरा मुंह खुलवाते हो आप है ना, जाओ यार मेरे को नहीं बात करना। अरे मैं देख रहा था तू क्या सोचती है। मैं क्या सोचती पता है ना कुछ आप आपके साथ करने के ढंग से इसे ही लगता था यार। अरे मैंने गलत कुछ बोला ही नहीं है, तुमने गलत सोचा। मेरे को मत घसीटो ये सब में। अरे मैं लेकिन मैं रील से घसीटते हो फिर रिकॉर्ड करते हो सब, रील के बारे में बात कर रहा था, सबको पता चलता है। मैंने सोचा तू समझेगी मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं अपलोड करूंगा वीडियो, बस पक्का नहीं करूंगा, बस नहीं अपलोड करूंगा आज के दिन, नहीं अपलोड करूंगा मतलब नहीं अपलोड करूंगा आज से दिन। मत करो आपके पैर नहीं। ए दोस्तों देखो वीडियो अपलोड नहीं होगी है, समझे? सबको बोल रहा हूँ मैं वीडियो अपलोड नहीं होगी, समझ जाओ। हाँ गलती से हुई तो देखना मत, ठीक है? तो लाइक तो नहीं चल रहा है। बाय 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 बाय।